वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर का एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल पर आप किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टीम का नंबर दिया गया, दिए गए किसी भी नंबर पर आप संपर्क करके टीम के पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है। आपने अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग MPSC के सी सेट के पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियो कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। एक ही वीडियो में पूरा नहीं सॉल्व कराया गया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर है ना। देखिए ये इसका हिंदी वर्जन दिया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आगे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस के इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश वर्जन है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश में मैनेज कर सकते हैं तो इंग्लिश में देखिएगा, बाकी हिंदी अगर आपके लिए सही है तो आप हिंदी में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? एक सांकेतिक भाषा में माउस को PRUQC ये लिखा जाता है। तो पूछा जा रहा है शिफ्ट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ना कि माउस से ये PRUQC कैसे बना। देखिए MOUSE है ना, ये माउस है। अब देखिए माउस को क्या किया गया, एम को ना दो आगे बढ़ाया गया। देखिए NO न लिख करके पी लिखा गया, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको तीन, मतलब तीन इसको आगे बढ़ाया गया, बाकी दो का गैप है यहाँ पे, है ना। देखिए NO दो का गैप है और इसको मतलब तीसरे लेटर पे रखा गया, तो आप +3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ये बता सकते हैं कि दो छोड़ के आगे लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं +3 लिख के चल रहा हूँ ताकि आप आसानी से मैनेज कर ले। ठीक है, देखिए इसके बाद ओ की बात करेंगे। देखिए पी क्यों नहीं है, आर है, मतलब यहाँ पर भी +3 की बात की गई है ना। अब देखिए यू को जैसे का तैसा लिखा गया, ये मतलब सेम है, यू रखा गया। अब यहाँ पे एस का एक क्यू बन चुका है, एस का क्यू बन चुका है, मतलब क्यू के बाद आर एस यहाँ पे ना -2 है, -2 किया गया तो यहाँ पे आपको क्यू मिला। और इसी तरीके से अगर सी को देखेंगे तो ई बन गया, मतलब यहाँ भी -2 किया गया। तो आपको सिक्वेंस थोड़ा सा पता चल रहा है, पहले +3 फिर -0 फिर -2 और -2। तो इस तरीके से अगर शिफ्ट की बात करेंगे, देखिए शिफ्ट में ना आप आसानी से कहाँ देख सकते हैं, देखिए बीच वाला टर्म आपका 0 है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच वाला टर्म आई रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आई है, ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी आई है, होल्ड कर रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी पहले इलिमिनेट हो गया। क्यों इलिमिनेट हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपको आई नहीं दिख रहा है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर एस है ना, तो एस के बाद आपका क्या रहेगा, देखिए टी और यू नहीं रहेगा, भी रहेगा तो अभी तक होल्ड कर रहे हैं। देखिए एच के बाद आई जे नहीं रहेगा, के रहेगा, जैसे ही के आपको दिखा तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे के नहीं मिल रहा है ना। देखिए तीन लेटर क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए एफ है, एफ से अगर दो अंक पीछे जाएंगे तो आपको डी मिलेगा, आर नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से बनेगा, बाकी खाली सॉल्यूशन करना रहेगा तो मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड लगेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये दिया है, एक माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की दोगुनी है, यदि 20 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसके पुत्र के आयु की 10 गुनी थी तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और एक्स मान के भी बना सकते हैं। रेशियो मेथड से थोड़ा आसानी से बन जाएगा तो हम लोग रेशियो मेथड के साथ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मदर और यहाँ पर सन है ना। प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है कि जो माँ की आयु है 2 गुनी है, सन की 1 गुनी हो जाएगी। अब 20 साल पूर्व, अगर 20 साल पहले जाएंगे -20 में देखेंगे तो माँ की आयु 10 गुनी थी और पुत्र की आयु कितनी थी, 1 गुनी थी। अब इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस 9 का है, तो पहले डिफरेंस को सेम करेंगे तो ऊपर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 18 है ना, 9 × 2 = 18 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप इसका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर भी 8 दिख रहा है और यहाँ पर भी 8 दिख रहा है, डिफरेंस 8 का है, लेकिन 8 के डिफरेंस में ना ये कितने साल आगे बढ़ रहे हैं, 20 साल, मतलब ये 20 साल का फर्क आ रहा है। 8 का 8 की वैल्यू अगर 20 मिल रही तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे 2.5 हो जाएगी।
एक की वैल्यू 2.5 आ गई और आपसे बोल रहा है कि माँ की प्रेजेंट आयु कितनी, तो माँ की प्रेजेंट आयु 18 आपको दिख रही है यहाँ पर, है ना। तो 18 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। तो जो मम्मी है, मम्मी की प्रेजेंट आयु इस समय जो है वो कितने वर्ष है, 45 वर्ष है। तो आप इसको रेशियो मेथड से ऐसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, या फिर जब एज वाला पोर्शन हम लोगों का स्टार्ट होगा तो उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे दिया है, अब मदर की आयु है और यहाँ पर सन की आयु है, ठीक। प्रेजेंट का डेटा दिया, प्रेजेंट का डेटा क्या बोल रहा है कि जो मम्मी है ये दो गुनी है पुत्र के, है ना। तो बेटे को एक मानेंगे तो मम्मी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। आप यहाँ पे मतलब चाहे एक्स वाई के साथ मान सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख सकती है, प्रेजेंट की बात है। अब 20 साल पहले जब जाएंगे तो 20 साल पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि मम्मी की आयु बेटे की आयु की 10 गुनी थी। बेटा एक हो गया, मम्मी 10 हो जाएगी, ठीक। अब नियम ये कहता ना कि दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंस दो में से एक गया, एक का डिफरेंस है और यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस सेम करने के लिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 एक का 9 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए 18 और 10, यहाँ पे डिफरेंस 8 का, यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस सेम हो चुका है ना। जब डिफरेंस सेम हो चुका है तो 8 की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 20 दिख रही है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 की वैल्यू 2.5 मिलेगी। अब आपसे चाहे जो पूछता, अगर पूछता ना 20 साल पहले मम्मी की उम्र कितनी थी, तो 2.5 में 10 का गुणा करते तो आपको मिल जाता 25 साल थी, है ना। बेटे की उम्र आप किसी की भी निकाल लेंगे। आपसे पूछा है कि माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो 18 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 53। तो प्रश्न संख्या 53 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया, एक निश्चित बिंदु से ए और बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ये रहा, है ना, यहाँ से ए और बी, ठीक है। ए मान लीजिए इधर जा रहा है और यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और बी मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ए 5 किमी तथा बी 7 किमी चलता है, ठीक। ए 5 किमी चला और बी कितना चला, बी चला 7 किमी, 7 किमी चलता है। ए दाएं मुड़कर 8 किमी चलता है। अब यहाँ से ना ए दाएं मुड़ जाएगा, जब ए को दाएं मुड़ाएंगे ना तो ए देखिए दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, ऐसे देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ए दाएं मुड़ गया और दाएं मुड़ करके कितना चल रहा है, 8 किमी चल रहा है। और बी की स्थिति क्या है, बी बाएं मुड़ करके 3 किमी चलता है। जब बी बाएं मुड़ेगा तो बी इधर आ जाएगा, ठीक। अब ये बी 3 किमी चलता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, आप समझिए, इधर ध्यान दीजिए, ये 5 और 7 12 है ना। इस लाइन को अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे पूरा, है ना, तो इसके बीच की डिफरेंस मतलब ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ये 3 ऊपर आ गया, ये टोटल 8 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 और 5, है ना। ये आपको एक ट्रिपलेट से दिख रहा है, तो ट्रिपलेट में आप देखेंगे तो तीसरी वैल्यू आपको 13 मिल जाएगी। चाहे पाइथागोरियन थ्योरम लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 13 किमी, ये एक दूसरे से 13 किमी की दूरी पर है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 54। अब 54 पे क्या दिया, एक आदमी एवं एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर लेते हैं, मतलब आदमी और लड़का दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं। उनकी कार्य कुशलता का अनुपात 8 और 5 है, मतलब जो मैन है और जो बॉय है, इनके कार्य कुशलता का अनुपात दिया है 8:5, मतलब आदमी एक दिन में 8 काम करता है, लड़का एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन में 13 काम कर लेंगे, है ना। आदमी और लड़का मिल के 13 काम करेंगे और काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 40 दिन में। अब आपसे पूछ रहा है ना कि लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 5 से काट लेंगे, 5 8 40 कट जाएगा, 13 8 104, इसका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा 104। ऐसे भी आप देख सकते थे दिए गए ऑप्शन में 13 का मल्टीपल एक ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ये है, 55 नंबर का। 31 दिनों के माह में यदि तीसरा गुरुवार 15 तारीख को, देखिए इस बात का मतलब क्या, देखिए तीसरा गुरुवार 15 को है, मतलब देखिए 15 को गुरुवार है, है ना, इसका मतलब इससे 7 दिन पहले 8 को भी गुरुवार रहा होगा और इससे 7 दिन पहले 1 को भी गुरुवार रहा होगा, और 15 के 7 दिन बाद जाएंगे ना तो 22 को भी गुरुवार मिलेगा, और 22 के 7 दिन बाद जाएंगे तो 29 को भी गुरुवार मिलेगा। तो ये इतनी 5 तारीख है जहाँ पे आपको गुरुवार मिलेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि माह का अंतिम दिन होगा, देखो माह के अंतिम दिन की बात करेंगे, ये गुरुवार है ना, तो फिर क्या होगा, शुक्रवार और शनिवार, तो अंतिम दिन जो होगा ये शनिवार हो जाएगा। अब यहाँ से तो ये तो क्लियर हो गया कि अंतिम दिन आपको शनिवार मिलेगा, क्योंकि 31 का महीना है ना, देखिए 31 का महीना है, तो 30 ये देखिए गुरुवार है, 30 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा, 31 को शनिवार होगा। अब यहाँ पे क्लियर ये करना है ना कि 5वां शनिवार होगा कि 4था शनिवार होगा। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए 31 को शनिवार है
है ना। तो 31 से पहले देखिए, 31 से जब आप 8 दिन पहले आएंगे, या फिर ऐसे देखिए दो दो का फर्क है, तो फिर 20 को सॉरी 24 को शनिवार रहा होगा, दो एक्स्ट्रा है ना। फिर यहाँ पे 17 को शनिवार रहा होगा, 17 के बाद यहाँ पे 10 को शनिवार रहा होगा, और यहाँ पे 8 कितने को, यहाँ पे 3 को शनिवार रहा होगा। तो देखिए पाँचवा शनिवार है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पाँचवा शनिवार। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ व गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहे तो एलिगेशन के साथ भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं बेसिक के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एलिगेशन भी इसका एक अच्छा तरीका है। देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गायें हैं, ठीक है, उनके पैरों की संख्या। देखिए अब अगर बात करेंगे ना मुर्गियों में, देखो यहाँ पे मुर्गी को एच और गाय को मैं सी लिख रहा हूँ। देखिए काऊ के पास कितने पैर हैं, 4 है ना, और मुर्गी के पास कितने पैर हैं, 2 है ना। अब यहाँ पे इसको जब मिलाया गया तो कुल 140 दिख रहा है, ठीक। अब इसके पास सिरों की संख्या, देखिए काऊ के पास एक ही सिर होगा और मुर्गी के पास भी क्या होगा, एक ही सिर होगा, इसको जब मिलाया गया तो 48 दिख रहा है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए अब किसी एक को इलिमिनेट करा लीजिए, आपसे पूछा है मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, मुर्गियों का पूछा तो हम काऊ को इलिमिनेट करा लेते हैं, ठीक है। इलिमिनेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनको बराबर करना पड़ेगा। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 है ना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 4 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, रुके मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को इलिमिनेट कराना है, आप किसी को भी करा सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जैसे सॉल्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे मुर्गियों की संख्या पूछा तो हम गाय को पहले इलिमिनेट कराएंगे। देखिए इलिमिनेट कराने के लिए आपको पता है कि इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कि चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4c है ना प्लस 4h और बराबर या इज इक्वल टू, है ना। 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 चौका 160 और 8 चौका 32 192 है ना। देखिए इसमें आपने इतना सेट किया, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4c है, यहाँ पर भी 4c बन जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे 4c 2h और इसके बाद इज इक्वल टू 140, ठीक है। अब इलिमिनेशन के लिए घटाने का साइन लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो बचा 2h, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है 2h। और यहाँ पे देखिए 192 में से 40 गया तो बचेगा आपका 52 है ना। तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 26, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको बेसिक तरीके से यहाँ पे एकदम किया है मैंने इसको, आप चाहे तो एलिगेशन के साथ भी जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57। 57 में क्या लिखा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 180 मीटर और 200 मीटर हैं, क्रमशः 40 किमी प्रति घंटे और 50 किमी प्रति घंटे की गति से एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। देखिए जब कभी भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है तो इसमें आपको खाली इतना याद रखना है कि ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन। मगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और पार कर रही हैं तो दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे, है ना। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, घटाएंगे। और बाकी तरीका वही रहेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए टाइम आपको चाहिए कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए 200 मीटर की ये ट्रेन है और 180 मीटर की ये ट्रेन है, मतलब इनको टोटल कितना डिस्टेंस तय करना है, 380 मीटर, ठीक। अब स्पीड की बात करेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो ये देखिए 50 और ये 40, कितना हो जाएगा, 90 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। लेकिन अब आपको किमी प्रति घंटा नहीं चाहिए, आपको मीटर प्रति सेकंड चाहिए, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड लाने के लिए यहाँ पे 5 है ना और गुड़े 18, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 गुड़े 18 को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये आपका 18 पचे 90 है ना, ये आपको मिल जाएगा 25 और 25 यहाँ पे 3.8 है ना, सॉरी 380, ठीक है 380 को अब यहाँ पे अगर काटेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा 25। देखिए अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा तो यहाँ पे इसको काटने पर आपको मिल जाएगा 12 और प्लस 3 है ना, 12 3 15, तो अप्रॉक्सीमेट 15 सेकंड थोड़ा सा फर्क आएगा, तो आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 15 सेकंड इसका लगभग में आंसर है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे 40 है, 40 50 90 हो जाएगा और इसके बाद इसकी जो दूरी है 180 200 मतलब 380 हो जाएगा, तो आपको ये आंसर मिलने वाला है। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सोहन ने एक कूलर 3,333 रुपये में खरीदा जिसमें से 10% बिक्री कर सम्मिलित था, तो बिक्री कर जोड़ने के पूर्व कूलर का मूल्य कितना था। देखो 10% बिक्री कर है, इसका मतलब देखिए ये 110% की वैल्यू दे रखा है, 110% की वैल्यू कितना दिया है आपको, दिया 33।
अब आपसे पूछ रहा है ना कि बताइए 100% की वैल्यू कितनी होगी, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा है ना, परसेंट से परसेंट काट दिया जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ है, भाग करेंगे तो 303 आएगा, 303 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 30-30 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 59 पर क्वेश्चन क्या है, देखिए ए अनुपात है, बी अनुपात है, सी इतना दे, और आपसे ये पूछ रहा है। इस बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। सबकी वैल्यू रख करके इसको सेट कर लेंगे, आसानी से मिल जाएगा। देखिए 2/3 अनुपात है ना, 3/4 और अनुपात है 4/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है ना, तो 4/2 को देखेंगे तो 2 बन जाएगा। इसको सेट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कर लीजिएगा आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 पर ये क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 16 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्या, देखिए क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमेशा मतलब संख्याओं के समान होते हैं। अब ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए पहली विषम संख्या n-2 है ना, दूसरी विषम संख्या एन है और तीसरी विषम संख्या n+2 है। ठीक, आप मतलब लिखने के लिए ये तरीका, आप चाहे तो n से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, विषम संख्याओं का औसत, औसत n हो गया है ना, पहली संख्या के 1/3, ठीक है, मतलब पहली संख्या क्या है n-2 के 1/3 है ना, 1/3 से 16 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे n, अब देखिए ये 16 ज़्यादा है तो इस मतलब ये 16 क्या है ज़्यादा, तो इसमें 16 से घटा देंगे है ना, 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा n-2 = 3n-48। इस इक्वेशन को आप कैलकुलेट करेंगे, n को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 2n = 46, n = 23। अब आपसे ये पूछा है ना कि 23 यहाँ पे आएगा, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताना। देखिए n की वैल्यू है 23, n मिडल में, आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 ये हो जाएगा। अगर सबसे छोटी बोलता तो 21 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी पूछा है तो 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर है ना, देखिए क्वेश्चन 61 से 65 तक यहाँ पर पैसेज दे रखे है ना, तो पैसेज सॉल्व करने का सबका अपना अपना तरीका होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है पहले पैसेज पढ़ना चाहिए। मेरी जो आदत है, मैं हमेशा पैसेज पहले पढ़ता हूँ, तो आप जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पैसेज को देखते हैं। देखिए पैसेज में क्या लिखा है, देखिए पैसेज में दिया है, साहित्य जीवन को संस्कारित करता है, वह जीवन में संवेदना विस्तार का आधार बनता है और मनुष्य में विवेक भी उत्पन्न करता, मतलब विवेक संपन्न भी बनाता है मनुष्य को। साहित्य जीवन में अच्छे आनंद का स्रोत है, उसमें निहित अनुभूति समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य को प्रकट करती है, इसमें परंपराओं, इतिहास और संस्कृति का रचनात्मक स्तर पर समावेश होता है। इस आधार पर साहित्य जीवन बोध को जगाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाते हैं। साहित्य के प्रति आस्था, समाज के प्रति सहानुभूति और प्राणी मात्र के प्रति करुणा जगाने में साहित्य की अपनी महत्ता है। इसमें सामाजिक परिवर्तन की शक्ति निहित है, इसी आधार पर साहित्य पीढ़ियों को दिशा देने में समर्थ होता है। साहित्य के पठन पाठन का अवसर अपनी अनेक व्यस्तताओं के बीच निकाल लेने वाले लोग जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, उठाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे क्या लिखा है, आगे किस चीज़ का जिक्र है, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए फिर आगे इसमें यहाँ पे आर्टिकल दिया कि उन्हें जीवन जीने की कला आ जाती, इसलिए कहा गया काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य का समय काव्य शास्त्र के विनोद में ही व्यतीत होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपने पूरा पैसेज पढ़ा, पूरे पैसेज में आपको ये पता चल रहा है कि कुल मिला जुला करके यहाँ पे ना जो साहित्य है, साहित्य के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छे का विलोम क्या है। देखिए अच्छे का मतलब ये होगा कि ऐसी ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है ना, अच्छे मतलब कभी नहीं नष्ट होगा, तो यहाँ पे अच्छे का उल्टा हो जाएगा नाशवान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगले मतलब अगले क्वेश्चन पर आते, तो अगला क्वेश्चन, जीवन का भरपूर आनंद कौन उठाता है, तो जीवन का भरपूर आनंद वो उठाता है जो मतलब साहित्य का पठन पाठन करता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या, जिसके पास बहुत धन है, ऐसा पैसेज में जिक्र नहीं किया गया, वह यायावर जो हमेशा पढ़ने के लिए उत्सुक होता है, नहीं पढ़ने के लिए उत्सुक है वो नहीं है ना, सही चीज़ पढ़ना है, निरंतर साहित्य रचना में संलग्न रहने वाले लोग है ना, ये भी नहीं, साहित्य पठन पाठन का अवसर व्यस्तताओं के बीच निकाल लेने वाले लोग है ना, मतलब आप कितने भी व्यस्त हैं आपने उसमें क्या कर रहे हैं, साहित्य को पढ़ने के लिए समय निकाल ले रहे हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, साहित्य का पुनरावलोकन, तो ऐसा नहीं है, साहित्य की पृष्ठभूमि ये भी नहीं है, साहित्य के अवयवों की उपादेयता ये भी नहीं, साहित्य की महत्ता ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो ये हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 64 है ना, क्या बोला जा रहा है, जीवन का बोध जगाने में। अब जीवन का बोध जगाने में कौन हेल्प करता है, तो साहित्य हेल्प करता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन यही सही हो जाएगा है ना, साहित्य सार्थक भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 65 क्या है, मनुष्य के जीवन को संस्कारित कौन करता है, तो साहित्य करता है। अब जब कभी भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज के हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए आपकी चाहे पहले क्वेश्चन देख के पैसेज देखते, चाहे पहले पैसेज देख के क्वेश्चन देखेंगे, फर्क वही पड़ेगा, कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर है ना, आगे यहाँ पर भी स्लाइड दिया है ना, तो यहाँ पर स्लाइड में क्या है कि आपको एक पैसेज दिया है, तो इस पैसेज को आप पढ़िएगा है ना, गद्यांश 2 गद्यांश 3 या पढ़ लीजिएगा है ना, ये दो गद्यांश आपके लिए HW के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो गद्यांश 2 और 3 आप पढ़ लीजिएगा ठीक है। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है 75 से है ना, मतलब गद्यांश 2 और 3 पढ़ेंगे तो उसमें 70 तक हो जाएगा, तो 71 से हम मतलब 75 तक हो जाएगा, तो 76 से बचे हुए क्वेश्चन जो है इसको हम लोग अगली क्लास में डन करेंगे। तो ये 25-25 क्वेश्चन के हम लोगों ने टोटल 4 क्लास लगाए हैं, जिसमें MPPSC में आए हुए CSAT के प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आप वीडियो को सब लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारी टीम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पैट कोर्स को नहीं खरीदा है, तो आप प्ले स्टोर से जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और हमारी टीम के पैड कोर्स को खरीदिए, या फिर आप दिए गए किसी भी नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।